वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग फाइन। सो गाइज, आज मैं आपके लिए कुछ हेयर केयर प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ, और जैसे मैं अपने वीडियोज में बोलती हूँ दैट हेयर केयर एंड स्किन केयर आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप चाहते हो कि आप नेचुरली ब्यूटिफुल लगो, तो आपको बहुत ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं हो, तो आपको अपनी स्किन केयर की बहुत ज्यादा केयर करनी होगी, एंड सेकेंडली अपनी हेयर की भी आपको बहुत ज्यादा केयर करनी होगी फ्रेंड्स। तो यस गाइज, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ। बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल माय अपकमिंग वीडियोस। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो आपको करना है मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ हैविंग लस्ट्रस लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल बाउंसी हेयर, वो जो थ्री रूल्स होते हैं वो होते हैं ऑयलिंग, शैम्पू एंड देन कंडीशनर। तो ये जो तीन रूल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको बहुत अच्छी लॉन्ग शाइनी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ हेयर चाहिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अ ब्यूटीफुल किट फ्रॉम द ब्रांड वाओ, एंड दिस इज द वाओ हेयर ग्रोथ बूस्टिंग किट एंड इन्फ्यूज विद द पावर ऑफ रोजबेरी एंड बायोटीन। ये बहुत ही अच्छी हेयर केयर किट है और इसमें आपको ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर मिलता है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार इसका क्लोजर लुक। ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव काइंड ऑफ बॉक्स में मुझे रिसीव हुई है। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। दिस इज द काइंड ऑफ बॉक्स दैट आई हैव गॉट द प्रोडक्ट्स इन। आप देख सकते हैं काफी अच्छे से स्टर्डी पैकेजिंग इन्होंने भेजी है, और ये बॉक्स भी काफी ज्यादा यू नो अट्रैक्टिव है। तो इस तरह से ये बॉक्स खुल जाता है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इस तरह से अंदर प्रोडक्ट्स है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा हुआ है कि शैम्पू आपको 250 ml मिल रहा है, कंडीशनर भी 250 ml है, और हेयर ऑयल जो है वो है 200 ml। सो टोटल जो है वो है 700 ml प्रोडक्ट। दिस इज सूटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स एंड इट इज अ वीगन प्रोडक्ट। इट हैज नो पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन्स और मिनरल ऑयल, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और दिस इज इन्फ्यूज्ड विद द पावर ऑफ रोजबेरी एंड बायोटीन, और ये आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती है। तो अगर आप पीछे देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहां पे पीछे में आपको सभी प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स, यूसेज, यू नो बेनिफिट्स सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप आराम से एक बार पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये जो है ये ऑयल की यू नो यूसेज है, हाउ टू यूज इट, हाउ इट हेल्प्स, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशनर का भी दिया हुआ है और यहाँ पे शैम्पू का भी दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। तो हेयर केयर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है एंड द फर्स्ट स्टेप शुड बी ऑयलिंग ऑफ योर हेयर। हमें अपनी हेयर को बहुत अच्छे से ऑयल करना चाहिए। सो दिस इज द वाओ स्किन साइज रोजमेरी विद बायोटीन हेयर ऑयल एंड दिस बूस्ट योर हेयर ग्रोथ, विच मीन्स कि ये आपके हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करता है। तो इस तरह की ये ब्यूटिफुल पैकेजिंग में आती है, काफी स्टर्डी पैकेजिंग है। पैकेजिंग वाइज बैंग ऑन 10/10, कंप्लीटली यू नो वेरी वेरी एलिगेंट एंड क्लासी एज वेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। इट इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज एज वेल, यहां से आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है आपके यूज के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस ऑयल इज वेरी वेरी गुड फॉर बूस्टिंग योर हेयर ग्रोथ, आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, एज वेल एज फॉर स्टॉपिंग द हेयर फॉल, आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए भी बहुत ज्यादा ये अच्छी है। जैसे कि हम जानते हैं दैट रोजमेरी इज वेरी वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ एज इट इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ योर हेयर एंड बायोटीन एड्स एक्स्ट्रा शाइन एंड बाउंसीनेस टू योर हेयर। तो आपको शैम्पू से पहले हेयर ऑयल को अपने रूट्स पे लगा लेना। तो चलिए एक बार मैं आपको हेयर ऑयल की कंसिस्टेंसी अपने हैंड पे दिखा देती हूँ। सो दिस इज हाउ द ऑयल लुक्स लाइक। ये काफी अच्छी कंसिस्टेंसी है, बहुत ज्यादा रनी नहीं है, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है, और बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस वाइज बात करें तो काफी माइल्ड होने के साथ साथ बहुत ही अच्छी धीमी धीमी सी खुशबू दे देती है। ये आपको हेयर ऑयल जो है ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करता है, जो कि आपके रूट्स को फिर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, एंड इट गिव्स कंप्लीट मॉइस्चराइजेशन टू द हेयर एज वेल एज टू द स्कैल्प। ये आपके रूट्स को भी स्टिम्यूलेट करता है, विच इन टर्न यू नो इम्प्रूव्स योर हेयर ग्रोथ। इट ऑल्सो बैलेंसेज एक्सेस
स्कैल्प सीबम प्रोडक्शन, अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत ज्यादा यू नो सीबम प्रोडक्शन होता है, इचीनेस होता है, उसको भी ये कंट्रोल करती है. आपकी इरिटेटेड स्कैल्प, इचीनेस स्कैल्प को भी कंट्रोल करती है. इट प्रोवाइड्स अ रिलैक्स्ड स्कैल्प, आपकी ड्राइनेस को रिड्यूस करती है. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द हेयर इलास्टिसिटी एंड इट ऑल्सो रिपेयर्स डैमेज स्ट्रैंड्स एंड बूस्ट एक्स्ट्रा शाइन इन टू योर हेयर. आपके टेक्स्चर के, हेयर के टेक्स्चर को भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करती है. तो आप शैम्पू करने से पहले रात को हेयर ऑयल लगा लें अपने हेयर में और उसके बाद इसको शैम्पू कर लें. नेक्स्ट प्रोसेस शुड ऑब्वियसली बी शैम्पूइंग योर हेयर. हमें अपने हेयर को वॉश करना पड़ता है एंड दिस इज द वाव सिंस स्किन साइज रोज़मेरी विद बायोटीन शैम्पू. दिस ऑल्सो बूस्ट योर हेयर ग्रोथ. इसकी भी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, पंप वाइज आती है, तो विच मेक्स इट वेरी वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज एज वेल. अगर हम इस शैम्पू के बारे में बात करें तो इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 250 ml. ये जो शैम्पू है इट हेल्प्स टू एनहांस द सर्क्यूलेशन इन द स्कैल्प. ये आपकी स्कैल्प की सर्क्यूलेशन को बढ़ाती है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्ट्रेंथन ब्रिटल स्ट्रैंड. हमारे हेयर में जो एंड में आप देखेंगे स्प्लिट एंड्स हो जाती है, ब्रिटल स्ट्रैंड हो जाते हैं, उसको स्ट्रेंथन करने में बहुत ज्यादा अच्छे से हेल्प करती है. ये आपके हेयर को ब्रेकेज करने में, इट ऑल्सो मिनिमाइजेज योर हेयर ब्रेकेज, स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके वॉल्यूम को बहुत ज्यादा बढ़ाती है, आपके यू नो हेयर फॉल को रिड्यूस करती है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिस्टोर शाइन टू डल हेयर और आपके हेयर में एक बहुत अच्छा सा बाउंसीनेस, सॉफ्टनेस, लस्ट्रसनेस प्रोवाइड करती है और आपके हेयर को एक बहुत ही हेल्दी लस्ट्रस लुक भी प्रोवाइड करती है. तो ये शैम्पू की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी अगर फ्रेग्रेंस के बारे में बात करें तो इसकी फ्रेग्रेंस भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है. जैसे मैंने बोला कि बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है, तो ये प्रोसेस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. तो यहां आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक लॉक दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इसको ट्रैवल वाइज भी लेके जा सकते हैं, ये आपको बिल्कुल लीकेज वगैरह नहीं होगा. तो ये आप देख सकते हैं, ये लॉक को आपको ओपन कर लेना है. तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं. इस तरह से आपने लॉक को ओपन कर लिया है और यहां से आपको प्रोडक्ट को निकालना है, यूज कर लेना है. हम हैंड में देख लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी. तो ये जो शैम्पू है इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है, जैसे कि आपको यहां से पंप आउट करना है प्रोडक्ट को और यहां से ही आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा फ्रेंड्स. तो अगर आप देख सकते हैं तो इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है. इट हैज अ वेरी वेरी नाइस वाइट काइंड ऑफ अ कलर. इट इज नॉट वेरी थिनी, इट इज नॉट वेरी थिक एज वेल. परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, बहुत ही अच्छे से ये लैदर करता है. अगर आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ये लैदर नहीं हो रहा है बिकॉज इट इज अ पैराबेन एंड सल्फेट सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट, तो ये आपको लगेगा कि ये लैदर नहीं हो रहा है, बट ये बहुत अच्छे से लैदर होता है और आपके हेयर को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देती है विदाउट ड्राइंग इट, जो कि बहुत ही अच्छी पॉइंट है. तो इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं. फ्रेग्रेंस जैसे मैंने बोला काफी धीमी सी, बहुत ही अच्छी माइल्ड काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है. शैम्पू भी काफी माइल्ड है. अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कंडीशनर. बट बहुत लोग जो हैं वो इस स्टेप को या तो स्किप कर देते हैं या तो मिस कर देते हैं, बिकॉज उनकी ये कंसेप्शन रहती है कि कंडीशनर लगाने से उनकी हेयर जो है वो लिम्पी हो जाएगी, स्टिकी हो जाएगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स. सो ये मैं आपके लिए लेकर आई हूं ये वाव का स्किन साइंस रोज़मेरी विद बायोटीन कंडीशनर. ये भी सेम पैकेजिंग में आती है विद द सेम पंप एज वेल, और इस ये भी एक पैराबेन एंड सल्फेट फ्री प्रोडक्ट है, विच मीन्स कि इनके सारे ही प्रोडक्ट्स जो है वो है वीगन प्रोडक्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके यूसेज एंड एवरीथिंग. अगर हम इस कंडीशनर के बारे में बात करें तो ये आपके हेयर फॉल को मिनिमाइज करता है, यानी कि आपके हेयर फॉल को और हेयर ब्रेकेज दोनों को ही ये रिड्यूस करता है. आपकी हेयर को बहुत ही स्मूदन कर देता है, एकदम सॉफ्ट बना देता है, आपके हेयर क्यूटिकल्स को सॉफ्ट कर देता है और आपके ब्रिटल एंड्स को स्ट्रेंथन करता है, स्प्लिट एंड्स को स्ट्रेंथन करता है, आपके स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस भी करता है. एट द सेम टाइम आपके हेयर में एक बहुत ही अच्छा सा शाइन प्रोवाइड करता है और जो डलनेस रहती है आपकी हेयर को वो काफी रिड्यूस हो जाती है. ये आपकी हेयर को काफी ज्यादा लस्ट्रस, बाउंसीनेस और यू नो ग्लॉसी एंड शाइनी बना देता है फ्रेंड्स. तो कंडीशनर आमतौर पे हम शैम्पू करने के बाद लगाते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर अप्लाइंग कंडीशनर इज दैट कि आपको कंडीशनर हेयर रूट्स पे नहीं लगानी है, बल्कि आपको आपके लेवल ऑफ द हेयर पे लगानी है, यानी कि आपको आपके हेयर के नीचे के जो हेयर है वहां पे लगानी है,
स्ट्रैंड्स में लगानी है, नॉट ऑन द रूट्स, और उसके बाद आप 3 to 5 मिनट्स रख के अच्छे से वॉश कर ले फ्रेंड्स। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि लॉक दिया गया है, तो इसको भी आप ट्रैवल के लिए लेके जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसकी भी कंसिस्टेंसी मैं एक बार आपको अपने हैंड पे दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको इसको यहाँ से पंप करना है, जिस तरह से शैम्पू आप यूज कर रहे हैं। तो अगर इसकी कंसिस्टेंसी हम देख ले फ्रेंड्स, तो इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लगी मुझे। तो जैसे आप देख सकते हैं, इट हैज अ वेरी मिल्की वाइट काइंड ऑफ अ कलर, और इसकी भी कंसिस्टेंसी फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली है। और अगर हम इसके क्रीमीनेस के बारे में बात करें, तो ये काफी क्रीमी है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये एक क्रीमी इफेक्ट के साथ आती है, जो कि आपके हेयर में एक्स्ट्रा शाइन, बाउंसीनेस और लस्ट्रसनेस प्रोवाइड करती है फ्रेंड्स। इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो भी बहुत अच्छी सी धीमी धीमी सी रोजमेरी, अगर आपने रोजमेरी फ्लावर को कभी स्मेल किया है तो इसकी फ्रेग्रेंस जो मुझे एग्जैक्टली वैसी ही लगी है, बहुत ही धीमी सी मध्यम सी इसकी फ्रेग्रेंस है, और इसकी कंसिस्टेंसी एंड फॉर्मूला इज वेरी वेरी क्रीमी, तो आपके ड्राई हेयर को ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट एंड शाइनी बना देती है फ्रेंड्स। और इसको आप अपने स्ट्रैंड्स पे, जैसे मैंने बोला, आप अपने नीचे के हेयर पे लगाएं, रूट्स पे ना लगाएं कंडीशनर, और उसके बाद आपको इसको वॉश कर लेना है फ्रेंड्स। Yes guys, this is the end of today's video. I hope you liked the review of the Wow Hair Growth Boosting Kit, जो के है ये kit बहुत ही जबरदस्त kit है friend. अगर आपको hair fall problem है, या आपको dry hair है, या you have rough frizzy hair, तो definitely आप इसको एक बार जरूर से try करें, you are gonna love it. So yes guys, मैं description box में इनके buying links डाल दूंगी, आप वहां से directly buy कर सकते हैं. So yes guys, this is the end of today's video. I hope you did like the video, and if you did, then please do share it with your friends and family. And मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में. Till then, you all take care of yourself. Bye bye.